हमारे साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी खुद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वित्त मंत्री जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। जी, मेरा आपसे पहला सवाल, क्या ये बजट 2024 के लोकसभा चुनाव के मकसद को रखकर बनाया गया है, क्योंकि इसे चुनावी बजट कहा जा रहा है? चुनाव एक महत्वपूर्ण इवेंट है, लेकिन हम लोग हर काम चुनाव के लिए ही नहीं करते। हमारा तो बहुत पहले से ही सोचना रहा है कि जब हमारा एक चुनाव समाप्त होता है तो दूसरे चुनाव के लिए तैयारी दूसरे दिन से शुरू हो जाती है। तो खास तौर से ये कहना कि चुनाव के लिए ही बजट है, ये सही नहीं है। जन कल्याण का बजट है, सर्वसमावेशी और सर्वहितकारी बजट देने की कोशिश की है। बाकी मूल्यांकन लोगों का, अर्थशास्त्रियों का और जनता का है, लेकिन मैंने योगी जी की सरकार में एक बहुत अच्छी भावना से इस बजट को प्रस्तुत किया है और इसमें पूरी संवेदनशीलता झलकती है जी, और हर तरह से। सुरेश जी, मेरा एक और सवाल आपसे, सवाल मेरा यह, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, कि गांव के विकास और कायाकल्प करना आपकी सरकार के एजेंडे में रहा, यह बजट उस तरह कितना बड़ा कदम से माना जाए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए जी, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहा जी, इस बजट में भी लगभग 24% पैसा जी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं, और अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने से जो हमारे असेट्स सृजित होते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करते हैं जी। जैसे मिसाल के तौर पर एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, या लिंक एक्सप्रेस वे हमने बजट में प्रावधान किया है। गंगा एक्सप्रेस वे का ही ले लें, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक का बन रहा है, इसके लिए भी हमने पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। और हमारी कोशिश यह है जी कि यह समय रहते हुए पूरा हो जी। अब आप कल्पना करिए कि अगर कोई एक्सप्रेस वे बनाना होता है तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है। ये 594 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है, बिल्कुल इसमें लेकिन जो लोग मिट्टी का काम करते हैं, रेता का काम करते हैं, सीमेंट का, बजरी का, या किसी न किसी रूप में कारीगर हैं, मजदूर हैं, या उसमें प्रयोग होने वाली जितनी वस्तुएं हैं जी, उन सब जी। सुरेश जी, सुरेश जी, यहाँ पर एक बात जानना बेहद जरूरी है कि आपका लगातार दावा रहा है कि ये बजट बेहद खास है, इस बजट में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की कोशिश की गई है। आखिर इसे केंद्र बिंदु में कौन है, युवा, मजदूर या किसान, चुनाव, क्या है इसके केंद्र बिंदु? इसके केंद्र में किसान भी है, युवा भी है और महिलाएं भी जी। देखिए, हमने चुनाव संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम सिंचाई के लिए पूरी तरीके से इनको नलकूपों पर छूट दे देंगे। पिछले बजट में हमने 50% की छूट दी थी और इस बार 23-24 में 100% की छूट दे दी जी। ये अपने आप में किसानों के लिए बड़ा कदम है। किसान सम्मान निधि उनको मिल रही है, आयुष्मान कार्ड से वो अपना इलाज वगैरह करा सकते हैं जी। और हर तरह से मृदा परीक्षण से लेकर और फसल बीमा योजना, बिल्कुल किसान भी फोकस भी में इस है जी। से किसान गुजरता है जी, हर क्षेत्र में हमने ये कोशिश की है कि उसको। सुरेश जी, माफी के साथ रुकूंगा और मैं अपने आखिरी सवाल पर आऊंगा। आखिरी सवाल यह है कि अखिलेश यादव आज सदन में शेरवानी में नजर आए, शेरवानी भी काले रंग की थी। चर्चा ये भी गर्म है कि ये संकेतों में किया गया बड़ा विरोध है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कौन व्यक्ति क्या कपड़े पहनता है इससे हमारा ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, ना हम इसको इस तरह से लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने सदाशयता का परिचय दिया। बजट के समय जी, पूरे समय तक वो शालीनता से सुनते रहे और उनके पूरे दल ने आज बैठकर उसको सुना शालीनता से, यही काफ़ी है। लोकतंत्र में हम सकारात्मक आलोचना हो ये खराब नहीं लगता, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में जो लोग वक्त बर्बाद करते हैं वो गलत भी है और होना भी नहीं चाहिए। इसीलिए ऐसे मुद्दे जो मानवीय एक्टिविटी के हों, ह्यूमन एक्टिविटी के हों, मानवीय संवेदना के हों, या किसी न किसी रूप में व्यक्ति के स्तर को ऊंचा करने के लिए हों जी, हम उनका हमेशा स्वागत करते हैं, हमेशा स्वागत करते हैं। सुरेश जी,
आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बजट पर आपने बात की, अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।